हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर के आई हूँ शादी वाला दिन, क्योंकि आज है हमारे भाई की शादी। और यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि क्या हो रहा है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि हमारे साइड ये रीति रिवाज होता है शादी के दिन, लड़का हो या लड़की, और यहाँ पे पूजा हो रहा है, मंत्री का पूजा बोला जाता है। और यहाँ पे दाल चावल और पकोड़े होते हैं जो कि खाया जाता है, और पांच लड़के भी बैठते हैं जिनकी शादी नहीं हुई रहती है साथ में खाने के लिए। तो ये होता है, हमारे यहाँ की रस्म होती है। और यहाँ पे चाची लोग सबकी थाली लेकर के भाई के सर पर से ऐसे घुमा करके, मतलब चढ़ा करके दे रही हैं खाने के लिए, ऐसा होता है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये जो रस्में होती हैं किसके यहाँ होती है। फिर यहाँ पे ये हो रहा है कि जो खाना बचा होता है, मतलब थोड़ा खाना बचा देते हैं, तो इसको कहीं दूर लेकर के जाते हैं, उसको मतलब ढक देते हैं ताकि उस पर किसी की नज़र ना पड़े। इस खाने की पूजा की जाती है। तो आप लोग देखिए कि ये लोग कहाँ लेकर के जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि खाना जो है ना, तो इसको मतलब चुनरी से मुँह को ढक करके ले करके जाते हैं। लेकिन देख रहे हैं, भाई को थोड़ा दिखाई भी दे रहा है और मैं यहाँ पे नहीं जा पाई क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी थी। तो इसलिए दीदी लोग सब लोग गए, लेकिन मुझे छोड़कर सब चले गए थे। और आगे यहाँ पे खाने को ढक देंगे और फिर सिंदूर लगा करके उसको पूजते हैं, मतलब। But I know it's not true. I wanna put up all my walls 'cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the road. फिर यहाँ सब लोग आ गए हैं घर पे, और यहाँ पे भाई का परिछन हो रहा है, क्योंकि जो भी चीज़ें होती हैं ना, अंदर जाना होता है तो सब कुछ परिछ करके लेकर जाते हैं। हम लोग के यहाँ ऐसे ही होता है। और आप लोग को बता दें कि शादी वाले दिन ना बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, सबके लिए हो जाता है। फिर वो काम हो गया, फिर हम लोग अभी जा रहे हैं मंदिर। मंदिर इसलिए जाते हैं कि माता रानी का जो मंदिर है, तो वहाँ पे जाएंगे हम लोग। जो लड़की को देना होता है गहना, तो कुछ नाक में का जो नथ होता है या मंगलसूत्र होता है उसको चढ़ाते हैं, और जो लड़के का होता है वो मौरा जिसको बोलते हैं उसको चढ़ाते हैं, ताकि सब कुछ अच्छा हो। तो यहाँ हम लोग आ गए हैं मंदिर। और यहाँ हम लोग का डांस शुरू हो चुका है, क्योंकि डीजे बजे और हम लोग डांस ना करें, अपनी भाई की शादी में ऐसा हो नहीं सकता। तो हम बहनें लग गए हैं यहाँ पे डांस करने के लिए। आता किसी को नहीं है, लेकिन हाथ ही रखना सबको है। बहुत ज़्यादा हम लोग डांस किए, बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत मज़ा भी आई, आप लोग भी देख रहे होंगे।
फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर गेस करके बताइएगा कि हम लोग कौन से गाने पे डांस किए, क्योंकि आप लोग को थोड़ा बहुत कुछ तो स्टेप समझ में आया होगा। फिर आ गए हम लोग घर पे और यहाँ पे बड़ी मम्मी परिछन कर रही हैं जो भी सामान चढ़ाया गया था मंदिर पे। और यहाँ पे जो बाजे वाले भैया हैं कह रहे हैं कि नहीं आप ऐसे, मतलब नेग उनको चाहिए था तो बोल रहे थे कि इतना चढ़ा करके, मतलब परिछन करके के और हमको दे दीजिए पैसे। वो अपना बता रहे थे कि ऐसे होता है। तब तक देख रहे हैं आप लोग पीछे, मेरी बड़ी दीदी शुरू हो गई है डांस करना, फिर सबको बुलाएंगे। इनको भी चैन नहीं है डांस किए बिना, आता नहीं है, फिर भी कूदना हम लोग का काम है। क्योंकि सच बता रहे हैं कि ये ऐसी पहली शादी है कि हम लोग इतना ढेर सारा डांस और खूब इंजॉय किए, बहुत बहुत मतलब बिजी थे काम में, फिर भी इंजॉय तो बनता है। तो यहाँ पे हम लोग भी सोचे चलो भाई इनका साथ दे देते हैं, फिर डांस कर लेते हैं, क्योंकि आज तो शादी है और खुशी वाला दिन भी है, तो इसलिए हम लोग डांस करना शुरू कर दिए। मैं तो यहाँ डांस करते करते पूरी तरीके से थक गई हूँ, लेकिन क्या बताएं, मन नहीं मानता है ना। और यहाँ पे देखिए हम चारों लोग हो गए पूरे, इनको भी नहीं रहा गया, लास्ट में आ गई ये भी थिरकने के लिए। तो अभी हम लोग को बारात भी लेकर के निकलना है। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट ज़रूर कर देना, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा विद बेल आइकन के साथ। अभी बहुत सारी मेरी वीडियो आएगी अच्छी, आप लोग भी ढेर सारा प्यार अपना दीजिए। थैंक यू।